सीएससी नॉलेज बेस में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस लाल बटन पर क्लिक करें और नई अपडेट सबसे पहले देखने के लिए इस घंटी को दबाएं। आपने टीवी पर अखबार में तमाम ऐसे विज्ञापन देखे होंगे जिसमें पैसा दोगुना करने का झांसा दिया जाता है। कई बार लोग ऐसे झांसे में फंस कर अपनी कमाई को बर्बाद कर देते हैं, पर अब हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिसमें आप सही टिप्स अपनाकर अपने पैसों को दोगुना या चार गुना भी कर सकते हैं। देश में कई ऐसे बैंक हैं जो 7% तक सेविंग अकाउंट पर ब्याज देते हैं, पर कुछ ऐसे भी हैं जो 4% से अधिक नहीं देते हैं। हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देंगे जिससे बैंक में रखा आपका पैसा और ज़्यादा हो सकता है। हाल ही में SBI समेत तमाम बैंकों ने बचत खातों पर ब्याज दरें घटा दी हैं, इसलिए आपको ऐसी जगह निवेश करना चाहिए जहां आपका पैसा सुरक्षित भी रहे और रिटर्न भी बेहतर मिले। हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका एक और नई इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ CSC नॉलेज बेस में। तो चलिए शुरू करते हैं। बैंक तो डिपॉजिट रेट घटाने में लगे हुए हैं, लेकिन फिलहाल डाकघर की बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कमी नहीं की गई है। इन्वेस्टर्स को बैंक डिपॉजिट पर भी ज़्यादातर 6-7% ब्याज मिल रहा है, जबकि डाकघर की जमा योजनाओं पर 7.8% तक ब्याज मिल रहा है। सरकारी बॉन्ड्स में पैसा लगाना आपके लिए बैंक से ज़्यादा बेहतर विकल्प हो सकता है। जहां बैंकों में 6-7% तक ब्याज मिल रहा है, वहीं सरकारी बॉन्ड्स पर अभी भी 8% तक ब्याज दर है। सेविंग अकाउंट से पैसे निकालकर बेहतर जगह लगाना है तो फिक्स्ड डिपॉजिट बेहतर विकल्प है। FD पर मिलने वाले रिटर्न पर उन्हीं ब्याज दरों के मुताबिक टैक्स लगता है जिनके दायरे में इन्वेस्टर आता है। अगर आपकी सालाना आमदनी 10 लाख रुपये से ज़्यादा है तो टैक्स कटने के बाद रिटर्न 5% से कम रहेगा। अगर आपके पास नेट बैंकिंग अकाउंट है तो FD खोलना बेहद आसान है। ज़्यादातर बैंक समय से पहले FD तोड़ने पर जुर्माना नहीं लगाते हैं। अगर आपको अगले 1 साल तक एक बड़ी रकम की ज़रूरत ना हो तो इनकम फंड में निवेश करना बेहतर विकल्प होगा। इसके तहत आप शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हैं, जिस पर आपको 9% तक रिटर्न मिल सकता है। लेकिन एक तय समय से पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट तोड़ने की कोशिश करते हैं तो आपसे 1% तक पेनल्टी ली जा सकती है। यह तय समय 1 साल तक का हो सकता है, इसलिए शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म स्कीम के बारे में पहले पता करना ठीक रहेगा। लिक्विड फंड या कैश फंड एक तरह का म्यूचुअल फंड होता है। लिक्विड फंड वह म्यूचुअल फंड है जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जैसे ट्रेजरी बिल्स आदि में निवेश करता है। इनमें रिस्क कम होता है और ये साल में 8% तक रिटर्न दे सकते हैं। ज़्यादातर म्यूचुअल फंड हाउसेस ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट सुविधा देते हैं और प्रक्रिया पूरी करने में 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगता। इसमें मैच्योरिटी पीरियड भी कम होता है। जब भी ज़रूरी हो आप छोटी रकम निकाल सकते हैं, वहीं सरप्लस कैश होने पर ज़्यादा निवेश कर सकते हैं। आर्बिट्राज फंड एक तरह का इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है। यह फंड कैश मार्केट और स्पॉट मार्केट के बीच के अंतर को खत्म करने के लिहाज से एक बेहतर ऑप्शन है। इस फंड का कॉन्सेप्ट है कम पर खरीदो और ज़्यादा पर बेचो। इक्विटी के मुकाबले इस फंड में रिस्क कम होता है। इसमें इन्वेस्टर्स को 6-9% तक रिटर्न मिलता है। अगर आप आर्बिट्राज फंड्स में निवेश करें और साल भर तक निवेश बनाए रखें तो आपके रिटर्न पर टैक्स नहीं लगेगा। स्टॉक्स और इक्विटी फंड की तरह इन फंड में किया गया निवेश साल भर से पहले ना कैंसिल करें, नहीं तो रिटर्न पर टैक्स ज़्यादा लगेगा। तो ये थी वो निवेश योजनाएं जिससे आप अपने पैसे पर अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। आशा करता हूँ आप मेरे द्वारा दी गई इस जानकारी को समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और नए इन्फॉर्मेशनल वीडियो के वादे के साथ। तब तक के लिए आपका पूरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।